के पौधे के बारे में और आज इस वीडियो में इसी पौधे के उपयोगी गुणों के बारे में देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि इस पौधे की पहचान कैसे करें, कब कितना और कैसे प्रयोग में लाना है और इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। छाती शरीर का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसमें श्वसन तंत्र में किसी भी तरह के डस्ट पार्टिकल, स्मोक, धूल, धुआं, भोजन का कुछ कण, बैक्टीरिया या वायरस के चले जाने पर इरिटेशन होने लगता है। शरीर श्वसन तंत्र से बाहर निकालने के लिए खांसी को प्रोड्यूस करता है। अक्सर कोल्ड फ्लू के कंडीशन में श्वसन तंत्र में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, इसके बाद सांस नली में म्यूकस का फॉर्मेशन होने लगता है और खांसी शुरू हो जाती है। इसके साथ ही कई बार कोल्ड एयर को इनहेल करने, सिगरेट, स्मोक या फिर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम को इनहेल करने से इरिटेशन के कारण खांसी होने लगता है। कई बार जब हर्ट बर्न का कंडीशन होता है तो एसिड पेट से गले में चला आता है जो इरिटेशन कॉज करता है और फिर खांसी शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, खांसी मुख्यतः दो तरह की होती है, गीली खांसी और सूखी खांसी। गीली खांसी अक्सर कोल्ड और फ्लू के कंडीशन में देखने को मिलता है। कंडीशन में एक वायरस के इन्फेक्शन के कारण गले में शरीर के द्वारा वायरस को फैलने से रोकने के लिए म्यूकस को प्रोड्यूस किया जाता है जिससे गले में बलगम का उत्पादन होता है। इस कंडीशन को गीली खांसी कहते हैं। सूखी खांसी आमतौर पर तब डेवलप होता है जब श्वसन मार्ग में सूजन हो जाता है या इरिटेशन होता है। यह कंडीशन श्वसन मार्ग में संक्रमण या किसी बाहरी पदार्थ के इरिटेशन के कारण उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स, वैसे तो सेहुण के पौधे को गांव में बाढ़ की तरह प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन इसके बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं। वैसे तो सेहुण के पंचांग यानी कि पांचों अंगों को काम में लाया जाता है, लेकिन आमतौर पर इसके पत्तों का प्रयोग खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। सेहुण का बोटानिकल नेम यूफार्बिया नेरिफोलिया होता है और यह यूफार्बियेसी कुल का पौधा होता है। साथ ही इसे इंग्लिश में इंडियन स्पंज ट्री भी कहते हैं। इसके साथ ही सेहुण को सिंगतुंड, वज्री, थूहर, जाकुम, ईजू, निवाल कांति, इलेकल्ली, कांटलो, आकू जेमड़ू, मांसासित, गांगीजू, डंडे, ल्यूदी, कल्ली और कॉमन मिल्क हेड आदि नामों से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, आप इस पौधे को किस नाम से जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए अब बात करते हैं इस पौधे की पहचान कैसे करें। फ्रेंड्स, वैसे तो आपको यह पौधा आसानी से नहीं मिल सकता है क्योंकि इसमें ढेर सारे कांटे होते हैं, इसलिए कोई लगाना पसंद नहीं करता है। फ्रेंड्स, यह पौधा ऐसे जगहों पे जहाँ पे सब और छाया रहता है वहाँ पे आप इसे आसानी से पा सकते हैं। सेहुण का पौधा लगभग 2 से 4 मीटर तक का छोटे पेड़ के आकार का हो सकता है और इसकी पूरी टहनियाँ कांटों से भरी होती है और इसकी पत्तियाँ लगभग 10 से 12 मिलीमीटर लंबे हो सकते हैं। सेहुण का प्रयोग दर्द, पेट फूलने और पेट के रोगों, कफ, डायबिटीज, सूजन, बवासीर, मोटापा, पथरी, पीलिया, अल्सर, ज्वर, कब्ज और विष को नष्ट करने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। सेहुण के 2-3 ताजे पत्ते को आपको तोड़ कर लाना है और इसे पानी से अच्छे से साफ कर लेना है। फिर इसे साफ करने के बाद डायरेक्टली आग की आंच पे या फिर रोटी बनाने वाले तवे के ऊपर रख करके हल्का हल्का सेकना होता है। सेक सेक